जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले ध्यान से सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा, मेरी जड़ जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। और आज जैसे कि हम बात करने वाले सीईटी 2024 को लेकर, यानी ग्रेजुएशन लेवल और आपकी 12th लेवल जो सीईटी का एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, उस एग्जाम की बात करेंगे। आदेश जारी, यानी इस बार कितने नंबर लाने आपका अनिवार्य होगा। यानी पिछली बार क्या हुआ था कि 15 गुना अभ्यर्थी को पास किया था भर्ती के अंदर, तो इस बार क्या 15 गुना ही विद्यार्थी को लिया जाएगा, या फिर कितने नंबर लाने होंगे, या 40 से 50% भाग वाला आपका रहेगा, यानी क्या इसमें क्या आपका झंझला रहेगा, यानी सभी बिंदु पे बात करूंगा। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे मैं बढ़ूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप भी कर रहे हो सीईटी 2024 की तैयारी और आपको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, सिलेबस की पूरी जानकारी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस फ्री चाहिए, प्रीवियस के पेपर चाहिए, तो मेरे भाई क्या करना, दिए गए नंबर पे क्या करना, अभी का भी व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9057925604 पे मैसेज करके ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल आपको फ्री अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका सीटी में कितना स्कोर लाना आपका अनिवार्य होगा 2024 के अंदर। देखो बात करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, चलो काम चल रहा है, कितना नंबर लाना है, हो जाएगा 15 गुना। परंतु जो आपने विभाग ने इस बार आपका भर्ती आने से पहले, फॉर्म शुरू होने से पहले एक आपका पेपर में कटिंग दी थी, यानी सीईटी न्यूनतम अंक का दायरा, सीईटी में न्यूनतम अंक का दायरा क्या रहेगा, लागू होगा, वैधता भी 4 साल की होगी। पहले 1 साल की थी, अब इसको बढ़ा के 2 या 4 साल होगी, या तो 2 साल होगी या इसकी 4 साल होगी। अब देख लीजिए, जयपुर में समान पात्रता परीक्षा के सीईटी प्रावधान बदलाव की तैयारी, सरकार न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए वैलिड बढ़ाने का यहाँ पे दायरा लागू कर सकती है। चयन बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सीईटी की प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है, नए प्रारूप फाइल होने के बाद सीईटी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पिछले दिनों में कनिष्ठ लेखाकार की तहसीलदार की जो भर्ती आई थी, उस भर्ती में सीईटी के अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी को पास किया था। कितने, यानी पिछली बार जो भर्ती आई थी ना, कनिष्ठ लेखाकार तहसीलदार राजस्व लेखाकार की भर्ती आई थी, उसने 15 गुना अभ्यर्थी को पास किया था। पहले क्या था कि 15 गुना अभ्यर्थी को ही पास करेंगे, जैसे कि माना कि भर्ती 5000 की, तो इसका इंटू 15 से करेंगे, यानी 5000 इंटू 15 से करेंगे, 15 गुना अभ्यर्थी को ही पास किया जाएंगे। परंतु 15 गुना वाले में क्या हुआ, देख लो यहाँ पे देख लीजिए कि 15 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पे पास किया जाएगा। अब देख लीजिए, परीक्षा के लिए पात्र घोषित होंगे सामान्य वर्ग के 3 से 4% ही चयन हुए। जो भर्ती हुई थी, यानी कनिष्ठ लेखाकार की जो भर्ती हुई थी, उसमें 15 गुना अभ्यर्थी को लिया था, उसमें से जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग जनरल में जो बच्चे आते हैं, उनको यहां से 3 से 4% को ही चयन हुआ था। इस विवाद को लेकर यह विवाद सीएम तक पहुंचा, अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा, और यह बदलाव प्रस्तावित किया था कि सीईटी में 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में लिए पात्र होंगे। यानी पहले 15 गुना था, अब 15 गुना को हटा दिया, अब कर दिया है कि 40 से 50% लाने वाले विद्यार्थी को यानी मुख्य परीक्षा में पात्र होंगे, और ये सीईटी की वैधता 2 या 4 साल रहेगी। चलो बात करते हैं स्कोर को लेकर, वैसे बात नहीं किया जाना चाहिए। देखो पहले आपके सामने कोई स्कोर मिल जाए ना, तो फिर आप तैयारी उसकी नहीं करते हो, तो कोई बात नहीं, स्कोर की बात करते हैं। जनरल के 156 से 160 के बीच में, और महिला के 152 से 156, यानी ईडब्ल्यूएस के 150 से 155 और महिला के 148 से 150, ओबीसी के 146 से 150 और ओबीसी महिला के 140 से 146, एमबीसी की 140 से 45 और एमबीसी में महिला की 135 से 142, एससी की बात करें 135 से 139 और इस जगह एससी महिला की बात करें 128 से 134, एसटी पुरुष की 125 से 134 और यहाँ पे महिला की 125, 120 से 125, ये आपके यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। वैसे कट ऑफ को देखकर आपके नंबर कम नहीं आने, यानी 40 से 50 अंक, यानी आप मान सकते हो कि 300 का यहाँ पे 50% किसमें होता है, 300 का 50, यानी 150 नंबर लाने आपको जरूरी है, यानी 150 अंक जनरल बच्चों लाएगा और ये आपकी कट ऑफ रहेगी। इसी कट ऑफ के अनुसार आपको अंक लाने, तब जाके आप सीईटी में पास हो जाएंगे और 2 साल या 4 साल की वैधता में आप पास हो जाओगे। एक बार अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके हमेशा के लिए, आपकी 4 साल के लिए मामला सेट हो जाएगा, और इससे कम नंबर लाने वाला सीटी पास नहीं होगा और आने वाली भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे। ये जानकारी आपको कैसे लगी प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलूंगा अगली वाली क्लास में, जल्दी से जल्दी क्या करना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और ध्यान रखना ये मैंने स्कोर बता दिया, ऐसा नहीं कि स्कोर बताने के बाद नंबर इससे भी कम लाओगे, इसलिए मैं आपको स्कोर नहीं बताता हूं कि बच्चे क्या कर, जो टारगेट बताते हैं ना उससे भी नंबर कम लाते हैं। तो आपको टारगेट रखना है कि 200 पार नंबर लेके आना, तब जाके आपका सीटी में अच्छा स्कोर बनेगा, और एक बार यदि आपका अच्छा स्कोर बन गया ना, तो हमेशा के लिए बल्ला बल्ला हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कटो बता दी,
ध्यान रखना है इस कट ऑफ के अनुसार आपको अंक नहीं लेना है, इससे भी ज्यादा नंबर लाने तब जाके आपका मामला सेट होगा। ये कट ऑफ बताइए जो कि आपका 40 से 50 अंक प्रतिशत वाले विद्यार्थी को पास होंगे उसी 50 अंक प्रतिशत के आधार पे मैंने कट ऑफ तैयार किए। ये जानकारी आपको कैसे लगी प्यारा सा कमेंट करना, और इस कट ऑफ से 20 से 30 नंबर ज्यादा लाए तब जाके आपका मामला सेट होगा। ये कट ऑफ रहेगी फाइनल, इन कट ऑफ पे नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी प्यारा सा कमेंट करो। मिलूंगा अगली वाली क्लास में, तब तक लिए राम राम नमस्कार खमागन।